नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं निफ्टी और कॉल के लिए, मतलब 6 फरवरी 2020 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्क्रीनर बनाया उस निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स इन शॉर्ट दवा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो उसका लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सैम्पल फाइल डाउनलोड करना का क्या क्या है, इसमें कैसे स्क्रीनिंग करना है और इसमें क्या क्या है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। तो और इसमें बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, जो बुलिश रिवर्स होने के बाद लगातार 2 दिन से निफ्टी ऊपर ही जा रहा है। सॉरी, मैंने इंडेक्स का देखता हूँ। हाँ, तो देखिए, इधर बुलिश रिवर्सल होने के बाद ये लगातार 2 दिन से ऊपर ही जा रहा है और देखना पड़ेगा। ये 12,100 तो अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। 12,100 क्रॉस करने के बाद ये 12,200 की तरफ जा सकता है, लेकिन इतना दूर जाएगा क्या नहीं इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी आ सकता है। इस एक्सपायरी में 12,200 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्रेंड अप में ही रहेगा। और निफ्टी बैंक का 12,100 और 12,200 के अंदर ही रह जाएगा लगता है। और 500 के तरफ भी कम है और इधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। और इधर ऑप्शन चेन में जो दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन में निफ्टी का ऑप्शन चेन देखूंगा तो इधर 1.06 है पीसीआर रेशियो। तो इधर 12,200 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और आईबीवी इधर थोड़ा सा बड़ा है। और इधर 12,000 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है पुट साइड में और इधर सपोर्ट बना है। तो इधर भी ओपन इंटरेस्ट, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो इधर शॉर्टिंग हो रहा है, तो ये निफ्टी को थोड़ा सा और भी ऊपर जाने लेकर जाने का कोशिश करेगा। 12,200 की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन साइडवेज मूवमेंट आप और अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन यही अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड लगता है कि थोड़ा सा नीचे आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर से अप में जाएगा, जाने का कोशिश करेगा। तो यही अभी ट्रेंड, मतलब नीचे से थोड़ा सा बाई करना, सपोर्ट जब आप लोग सपोर्ट मिलने के बाद बाई करना है, यही आप ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है। और इधर बैंक निफ्टी का जो इधर भी एक के ऊपर है, ये पीसीआर रेशियो दोनों ही 1.5 के जाने का आसपास कोशिश करेगा। इधर 21,300 में इसका रेजिस्टेंस बना है और इधर इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कल साइड में। और इधर 30,300 में इसका, सॉरी 30,700 में इसका सपोर्ट बना है। इधर इधर शॉर्टिंग हो रहा है, तो निफ्टी के ऊपर जाने ले जाने का, सॉरी बैंक निफ्टी के ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। तो इधर देखना पड़ेगा कि इधर भी साइडवेज मूवमेंट देगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ट्रेंड अप नहीं रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और अप ट्रेंड में जाने का कोशिश करेगा। पीसीआर रेशियो 1.5 के आसपास ले जाने का कोशिश करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड में। और इसका प्रोबेबिलिटी जब देखूंगा तो देखिए, इधर साइडवेज मूवमेंट ही दिखाता है, ये थोड़ा सा 12,200 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। और इधर इधर तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी नीचे दिखा रहा है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल भी आप लोग को दे दूंगा, पिवट पॉइंट और इम्पोर्टेंट बाय सेल लेवल आप लोग को दे दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।